तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में एक मल्टीमीटर है दोस्तों, जो मास्टर्स कंपनी का है। तो यहाँ पे इसकी मॉडल नंबर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे MAS 830L इसकी मॉडल है। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें समस्या है तो है क्या। यहाँ पे हमारी एक गलती की वजह से दोस्तों ये मल्टीमीटर डेड हो गई, यानी कि ये पूरी तरह से डेड नहीं हुई, ये चल रही है। बट यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, तो जो वैल्यू रेजिस्टेंस का होना चाहिए वो वैल्यू हमें जो है नहीं देता है। यानी कि इसमें जो है मान लीजिए 100 ओम की एक रेजिस्टेंस है, और वो जब उसे हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 10 ओम की ही यहाँ पे हमारा जो है कंटिन्यूटी बताता है। तो उसकी जो है काफ़ी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा जो है ये कम बता रही है। यहाँ पे अगर DC रेंज की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं यहाँ मल्टीमीटर को, तो DC में हमारा सप्लाई दोस्तों बिल्कुल सही बताता है। यानी कि जितना वोल्ट की बैटरी होती है या जितना वोल्ट हमारा सप्लाई निकालता है वो हमारी बिल्कुल सही है। यहीं पे अगर फ्रेंड्स अगर इसकी AC मोड की बात की जाए, तो यहाँ पे AC मोड भी सही है। तो यहाँ पे हम AC लाइन में डाल के चेक करते हैं, तो वो वोल्ट भी हमारे जो है बिल्कुल सही आती है। यहाँ पे जो इस मल्टीमीटर में समस्या बन रही है, तो यहाँ पे दो समस्या बन रही है। पहला, यहाँ पे जब इसे कंटिन्यूटी मोड पर इस तरह से डालते हैं, तो ये लगातार दोस्तों ये बीप जो है ये बजने लगती है, यानी कि ये बीप जो है ये बंद नहीं होती है, हमेशा जो ये कंटिन्यूटी जो है ये बताते रहता है। सेकेंड फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम इसे रेजिस्टेंस मोड पे डालते हैं, तो यहाँ पे इसकी रीडिंग जो है ये कम बताता है। इसमें दो फॉल्ट हैं, और इसमें ऐसा क्या फॉल्ट आया दोस्तों, तो आज की इस वीडियो हम यही जानेंगे। और दोस्तों इस मल्टीमीटर को आपको मैं रिपेयर करके बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस मल्टीमीटर को खोलेंगे, इसके बाद दोस्तों इसे हम रिपेयर करेंगे और आपको लाइव प्रूफ में इसे ठीक करके बताऊँगा। और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल भी होने वाली है। तो बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने के लिए। चलिए दोस्तों टाइम कितना गया है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको जो है यहाँ पे इसकी जो है प्रॉब्लम बताया था, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको जो है ट्रायल करके दिखाता हूँ दोस्तों, ये मल्टीमीटर किस तरह से काम कर रही है आपको लाइव प्रूफ में दिखा देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉप जो है इसमें हम डाल लेते हैं, और यहाँ पे चलिए मैं आपको जो है ट्रायल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने जो है एक बैटरी ले लिया है 4 वोल्ट की 2 एम्पियर में। यहाँ पे हम इसे सबसे पहले DC रेंज में यहाँ पे हम 20 वोल्ट पे सेट करते हैं, और यहाँ पे हम इसे चेक करके आपको मैं दिखाता हूँ ये मल्टीमीटर कितना जो है यहाँ पे वोल्ट बता रही है। तो यहाँ पर ये वोल्ट दोस्तों प्रॉपर जो है सही बता रहे हैं, यानी कि ये 4 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर बैटरी यानी रीडिंग भी हमारा ये 4 पॉइंट कुछ यहाँ पे शो कर रही है। यानी कि इससे ये साबित हो जाता है फ्रेंड्स कि ये बैटरी हमारी जो है ये सही है, और यहाँ पे रीडिंग भी ये सही दिखा रहा है। यहीं पे फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे AC लाइन में आपको मैं डाल के दिखाता हूँ, ये AC सप्लाई जो है ये सही बता रहे हैं कि नहीं। हाँ, यहाँ पे AC सप्लाई भी बिल्कुल जो है सही बता रही है, यानी कि वोल्टेज भी हमारे जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर DC और AC तो हमारी बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे रेजिस्टेंस मोड में डाल के, और यहाँ पे हमने जो है एक रेजिस्टेंस ले लिया है जो हमारी 100 ओम की है। यहाँ पे इसकी कलर कोड है दोस्तों, ये कथककारी कथक। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ये इसकी रीडिंग जो है ये क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे 3.7 ही बता रहे, जो कि ये हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है। यहीं पर फ्रेंड्स अगर हम दूसरा रेजिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पर हमने एक दोस्तों रेजिस्टेंस ले लिया है 33 ओम की। अभी दोस्तों इसे हम ट्रायल करके देखते हैं इसका वैल्यू क्या बताता है। ये देखिए यहाँ पर ये 16 ओम के आसपास ही बता रहा है। तो दोस्तों ये रीडिंग हमारी जो है ये गलत बता रही है। तो यहाँ पे हम कोई भी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, तो ये हमारी जो है ये रीडिंग गलत ही बताएगी। यहीं पे फ्रेंड्स अगर हम इसे कंटिन्यूटी मोड पर डाल लेते हैं, तो ये देखिए बीप अचानक से दोस्तों ये बजने लगी है, यानी कि इसे हम बंद नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक दोस्तों ये बज रही है। यहाँ पर ये फ्रॉक भी दोनों अलग है। तो समस्या दोस्तों इसमें यही है, यानी कि 2 फॉल्ट है इसमें। तो आइए यहाँ पर हम इस मल्टीमीटर को ऑफ करते हैं, और यहाँ पर हम इसे कवर से निकाल लेते हैं, और फ्रॉक को यहाँ पर हम निकाल लेंगे। आइए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीमीटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोस्तों मल्टीमीटर को पूरी तरह से ओपन कर लिया है। यहाँ पे ओपन करने के बाद दोस्तों इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट है। तो यहाँ पे आपको जो है दो चीज़ नज़र आ रहेगी, और वो दोस्तों वो है यहाँ पर 2 फ्यूज़। यहाँ पर फ्यूज़ दोस्तों हमारी जो है सेफ्टी के लिए इस सर्किट बोर्ड पर लगाई गई है, यानी कि जब हमारी वोल्टेज ज़्यादा इसमें घुस जाए, या उल्टा हम कंटिन्यूटी को चेक कर दें, या कोई तरह की प्रॉब्लम हो, तो इस तरह की समस्या में दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है ये 2 फ्यूज़ हमारी जो है यहाँ पे 2 यानी कि 1 mA पर लगाई जाती है, और ये हमारी जो है 10 एम्पियर पर लगाई जाती है। तो हो सकता है हमारी जब सिचुएशन गलत हो जाती है, यानी कि मल्टीमीटर को गलत सिचुएशन में यूज़ कर लेते हैं, तो इस सिचुएशन हमारी कोई फ्यूज यानी कि उड़ जाती है, तो इस तरह की समस्या आ जाती है। यानी कि ज़्यादातर दोस्तों ये इस तरह की प्रॉब्लम जो आती है
यहाँ पे जो 250 mA पे जो फ्यूज लगी होती है उसी फ्यूज से हमारे जो है ज़्यादातर आती है। तो ये प्रॉब्लम जो है मेरे साथ पहले भी आ चुकी है, इसीलिए मैं ये कन्फर्म होकर बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है फ्यूज से ही आती है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्यूज का यहाँ पे दोस्तों दो यहाँ पे डायग्राम जो है यहाँ पे दिया गया है। फ्यूज वन जो है दोस्तों यहाँ पे 250 mA पे यहाँ पे लगाई गई है जो 250 V तक है, और यहाँ पे फ्यूज नंबर दो है दोस्तों यहाँ पे 10 A से 250 V तक यहाँ पे हमारे जो है वोल्टपन यहाँ पे जो है लगाई गई है। तो 10 A से 250 V पे यहाँ पे जो है ये एक है जो यहाँ पे हमारा ये है, और यहीं पे F1 जो है दोस्तों F1 हमारे दोस्तों यहाँ पे ये है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो मिली एम्पियर वाला दोस्तों ये फ्यूज है ये हमारी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक कर लेना दोस्तों कि ये फ्यूज हमारी जो है ये सही है कि नहीं। अगर हमारी फ्यूज ब्रेक हो जाती है तो बीप हमारी जो है ये बजने लगती है। ये सिचुएशन हमारे साथ पहले भी आया, इसलिए मैं आपको सोचा कि बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन कई भाई के साथ आता है। वो लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को छोड़ ही देते हैं, यानी कि ज़्यादातर हम लोग डायोड मोड पे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं AC और DC और यहाँ पे रेजिस्टेंस मोड का। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती है दोस्तों यहाँ पे DC और यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड। तो इस तरह की सिचुएशन आती है तो भाई लोग क्या करते हैं, मल्टीमीटर को रख देते हैं आराम से शांतिपूर्वक से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इस मल्टीमीटर को रिपेयर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, इस दो फ्यूज जो लगे हुए हैं तो यहाँ पे हमें जो है दोनों फ्यूज को चेक कर लेनी है। यहाँ पे कोई फ्यूज हमारे जो है ये ब्रेक तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो है मल्टीमीटर को डायोड मोड पे सेट कर लिया। अभी फ्रेंड्स इस फ्यूज को हम चेक कर लेते हैं जो F2 है। हाँ, यहाँ पे ये फ्यूज हमारी जो है कंटिन्यूटी बता रही है, यानी कि ये फ्यूज हमारी जो है बिल्कुल सही है। यहीं पे सेकेंड वाली जो हमारी फ्यूज है इसे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। अरे यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ्यूज हमारी जो है ये हमारी कंटिन्यूटी जो है नहीं बता रहे हैं। तो यानी कि ये फ्यूज हमारी दोस्तों ये बीच से ब्रेक हो गई है, जिस वजह से हमारी जो है कंटिन्यूटी दोस्तों ये बराबर जो है लगातार बजने लगी है। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस फ्यूज़ को हम एक बार जम्फर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ, यानी कि इस फ्यूज़ को हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं ये प्रॉब्लम दोस्तों ये सही हुआ कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीमीटर को हमें जो है इस डायोड मोड पे रेंज पे हमें सेट कर लेनी। यहाँ पे आप जो सुन रहे हैं बरजर हमारे जो है ये आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्ट इस तरह से चटा के देख लेंगे। देखिए ये हमारी फ्यूज है दोस्तों, जैसे ही हम दोनों को टच किए हैं तो ये हमारे दोस्तों बजर जो है ये बंद हो गए पूरी तरह से। हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक हमें जम्फर कर लेनी, यानी कि यहाँ से यहाँ, और जम्फर कर लेने के बाद हमें टेस्ट करना है दोस्तों कि ये जो है मल्टीमीटर ये प्रॉपर जो है ये वर्क कर रहा है कि नहीं, और हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो था वो हमारे जो है सही बता रहा है कि नहीं। आइए यहाँ पर हम एक जम्फर कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक पतली वायर की मदद से यहाँ पे हमने जो है जम्फर कर लिया। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज़ को ध्यान रखनी है, जब यहाँ पे आप जो है पतली वायर से जम्फर करें तो यहाँ पे जब आप जम्फर करें तो जितना पतला से पतला वायर हो सके आप उतना पतला वायर का यहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों जब हमारी किसी मिस्टेक की वजह से फिर वही गलती करेंगे तो यहाँ पे ये फ्यूज है ये ब्रेक हो जाए और हमारे जो मल्टीमीटर दोस्तों वो पूरी तरह से सेफ्टी रहे और हमारे जो मल्टीमीटर बच भी जाए। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमें पतला वायर की मदद से यहाँ पे हमें जम्फर कर लेनी है। यहाँ पे हम इस मल्टीमीटर को इस तरह से बंद करते हैं और देखते हैं दोस्तों इसकी ट्रायल करके ये मल्टीमीटर ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम दोस्तों सबसे पहले इसमें जो है फ्रॉक लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम डायोड मोड पे सबसे पहले डाल के देख लेते हैं। देखिए ये हमारे दोस्तों अब बजर जाइए नहीं बज रही है। यहाँ पर हम टच करेंगे इस तरह से तो अब हमारे जाइए बजर आ रहा है। देखिए ये प्रॉपर दोस्तों ये वर्क कर रही है। चलिए यहाँ पे ये काम तो कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे यहाँ पे सेट कर लिए हैं। अभी देखते हैं इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दोस्तों ये सही बता रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे दोस्तों रीडिंग जो है बिल्कुल जो है सही बता रही है। तो यहाँ पर हम 3300 की रेजिस्टेंस लिए हैं तो ये देखिए ये भी हमारे जो है ये करेक्ट बता रही है। तो देखिए इस तरह से इसकी जो प्रॉब्लम थी ये पूरी तरह से सॉल्व हो जाती है। रेजिस्टेंस मोड का भी वो फॉल्ट था वो भी सही हो गई, और यहाँ पे जो यहाँ पे बजर मोड का जो फॉल्ट था वो भी हमारे जो है एक जम्फर करने से हमारे जो है ये सॉल्व हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह की समस्या अगर आपके साथ भी आ जाती है, यानी कि आपके मल्टीमीटर में भी इस तरह की समस्या आ जाती है, तो आप आसानी से दोस्तों ठीक कर सकते हैं एक जम्फर वायर की मदद से। यहाँ पे इस तरह से दोस्तों हमने जो है मल्टीमीटर को रिपेयर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।